हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप और आपके परिवार वाले सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मौज में होंगे। आज तारीख है 1 नवंबर और इस टाइम हालात हो चुके हैं काफी खराब। यूट्यूब पर काफी गंद फैला हुआ है। लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं कि मतलब लोग किस तरह के हो गए हैं कि किसी के दुख में उस चीज को गलत सलत बोल के उससे व्यूज ले रहे हैं। ये गलत बात है। मैं बात कर रहा हूँ अभी 6-7 दिन पहले हमारे प्यारे भाई जट प्रपसत का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने S2 बाइक लेकर के नेपाल राइड पे गए हुए थे। तो अभी उन्होंने अपने ब्लॉग्स में पूछा था अपनी ऑडियंस से कि कौन सी बाइक लूँ मैं, सुपर बाइक कौन सी लूँ मैं। तो सारी कमेंट्स में S2 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 कमेंट्स थी। तो उन्होंने फिर अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस किया था कि वो S2 बाइक ही लेंगे। तो उन्होंने वो भी किया, उन्होंने S2 बाइक भी निकाली। तो उन्होंने एम रखा था कि 3 मिलियन जब उनके हो जाएंगे तो वो S2 बाइक की जो है ना दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को। चाहे वो डिलीवरी पहले ले लेंगे लेकिन वो 3 मिलियन पे दिखाएंगे। जब आसाम राइड पे थे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि जब भी नेपाल जाना होगा तो S2 से ही जाएंगे वो। तो जब उनका प्लान बना नेपाल जाने का तो अपनी S2 लेकर जा रहे थे। वो हिंदुस्तान में क्या नेपाल में क्या एक इतिहास बनाने जा रहे थे कि नेपाल में पहली S2 बाइक जाती जो कि वो लेकर जाते। और नेपाल में कोई भी S2 बाइक नहीं है तो नेपाल में पहली S2 बाइक होती तो दो हिस्ट्री बनती। लेकिन अफसोस वो ये चीज कर नहीं पाए अभी हाल फिलहाल, क्योंकि रास्ते में अपने जब वो अपने रास्ते में थे तो एक 79 ईयर्स ओल्ड सिटीजन थे। तो उनके साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। काफी खतरनाक एक्सीडेंट था। वो जो अंकल थे अफसोस उनका देहांत हो गया उस एक्सीडेंट में। और जो हमारे भाई थे जट प्रभजोत सिंह तो उनका भी काफी हालत अभी गंभीर है क्योंकि वो अभी नेपाल हॉस्पिटल में ही है। जो उनके पैर थे वो भी काफी गंभीर तरीके से मतलब टूट चुके हैं। मतलब मेरे को बोलने में भी अजीब लग रहा है। और जो वो अंकल थे उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और जो उनकी फैमिली है उनको भगवान शक्ति दे। और जो हमारे भाई है जट प्रभजोत उनको भी भगवान शक्ति दे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उनकी मुश्किलें जितनी भी हैं वो सब आसानी हो जाए। सब कुछ हम उनसे प्यार करते हैं जट प्रभजोत भाई से। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से हम उनके ब्लॉग देखें, उनको राइड पर तो भी देखें, हम उनको दोबारा से देखना चाहते हैं राइड पर। तो हम बस दुआ करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और आप भी दुआ करो ज़्यादा से ज़्यादा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और उनका जो साथ में गए थे आसाम से उनके पार्टनर तो उन्होंने ही सारे अपडेट्स दिए, उन्होंने स्टोरी में बताया सब कुछ। जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो तुम अवेलेबल है यूट्यूब पर देख सकते हो। तो एक चीज़ अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा था पहले। वो उसका कारण सिर्फ एक ही था कि लोग उनके बारे में इतना गलत सलत बोल रहे हैं कि मतलब क्या ही कहूँ मैं। बोलने में भी मेरे को अजीब लग रहा है कि वो क्या क्या बोल रहे हैं उनको, कि मतलब उल्टे सीधे वर्ड बोल रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मैं बता नहीं सकता। और दूसरी चीज उनको जो चीज नहीं भी हुई है ना वो उनके लिए कह रहे हैं, ये गलत है ना। देखो इस तरह के रूमर्स वगैरह मत फैलाओ, ये ठीक नहीं है। अगर तुम किसी के दुख में साथ नहीं दे सकते कम से कम उसके लिए ऐसी बातें तो ना करो। मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर बाई चांस अगर तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे बनाए वीडियो तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारी फैमिली को कैसा लगेगा, तुम ये सोच के देखो ना। चलो तुम्हें फर्क ना पड़े ठीक है, लेकिन फैमिली के बारे में तो सोचो जरा, वो उन पे क्या गुजर रही होगी। दोनों ही फैमिली के बारे में, जो अंकल थे उनकी फैमिली भी और जो हमारे भाई हैं जट प्रपसत उनकी फैमिली भी। अब इस टाइम पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं भी अभी इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ जट प्रपसत भाई को। मतलब ये समझ लो जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे ना उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब वो अपने देहरादून गए थे। समझ सकते हो मतलब एक होता है ना अंदर से दुख फील होता है तो बस वही है। उसको सब तो मैं बयान नहीं कर सकता, मैं कैमरे के आगे भी नहीं कर सकता, किसी के आगे नहीं कर सकता। मैं बस यही कहना आया था कि इस तरह की गलत बातें मत करो यूट्यूब पर, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत कहो, दुआ करो। अगर दुआ भी नहीं कर सकते तो उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत कहो, बस यही कहना चाहता हूँ। और नेपाली अंकल थे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो उनकी फैमिली उनको शक्ति दे और जो हमारे जट प्रपसत भाई हैं उनको भी भगवान जल्दी से ठीक करे। हमारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, वो अभी नेपाल में ही एडमिट है। तो बस दुआ करते हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, हमसे बात करें, एक नया ब्लॉग आए, फिर से वो एक और राइड स्टार्ट करें। बस हम तो इंतजार करते हैं कि बस वो ठीक हो जाए। उनकी बाइक जो थी उन्होंने हाल फिलहाल निकाली थी S2 बाइक, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन देखो बात ऐसी है, बाइक खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इंसान की जान से बढ़कर नहीं है, इंसान ठीक रहना चाहिए। इंसान ठीक रहेगा तो 50 गाड़ी और ले सकता है। हम दुआ करते हैं कि हमारे भाई ठीक हो जाए जल्दी से और जो उनकी आने वाली मुश्किलें हैं जो बढ़ेंगी अभी तो वो भी आसानी से खत्म हो जाए, बस यही दुआ करते हैं। और जो हमारे भाई हैं प्रज्योत भाई वो जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से नया ब्लॉग लेकर और अपने बारे में खुद बताएं अपने शब्दों में, क्योंकि बस यही चाहते हैं हम। और ये मेरा ब्लॉग नहीं था, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता था। और जो ये यूट्यूबर्स हेट फैला रहे हैं, हेट क्या फैला रहे हैं, उल्टी सीधी बातें रूमर्स उड़ा रहे हैं ना, ये बंद कर दो, ये अच्छा नहीं लगता, यही कहने के लिए मैं आया था।
तुम मत करो ऐसी चीज़ है, किसी के दुख में तुम फायदा मत उठाओ गलत चीज़ फैला करके। कुछ अच्छा काम कर लो, उससे तुम व्यूज ले लो, वो अच्छी चीज़ है ना। लेकिन तुम ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें बोल करके व्यूज ले लो, क्या फायदा? तुम सिर्फ कुछ पल के लिए सिर्फ अटेंशन पा सकते हो, उसके बाद तुम लापता हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ हाल फिलहाल में ही तुम्हें जो रिटेंशन मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उसका तुम गायब हो जाएगा। तुम्हें पता है क्या होता है जब कॉन्ट्रोवर्सी होती है या फिर कोई भी गलत चीज़ होती है, एकदम से इंसान बढ़ता है ऐसी चीज़ों में, लेकिन गिरता भी उस तेजी से है। और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा, बस यही कहूँगा कि भगवान सबको शक्ति दे, सबको ठीक रखे, और सब जल्दी से अपने अपने राह पर आए, और जट प्रदोत भाई हमें जल्दी से अपना नया ब्लॉग दें और अपने बारे में बताएं जो भी है। तो चलो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और सबसे एक विनती है, इस तरह के की रूमर्स वगैरह नहीं फैलाएं प्लीज़, यही मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है।